हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में दिल से स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जेन्युइन मिलेंगी। और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी खबरें दिखाने वाला हूं जो आपकी आंखें खोल देंगी। तो साथियों, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये कोई गदर टू का सीन नहीं है। आप सोच रहे होंगे गदर टू का सीन है, नहीं, ये सीन है हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। और साथियों, ये नाइट का सीन है, रात के टाइम में कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस हिसाब से, किस तरह अपनी जान को जोखिम में डाल के ये साथी एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। इनका एग्ज़ाम सेंटर 400-400 किलोमीटर दूर डाल रखा है। मींस अगर कोई पलवल से है उसका सिरसा डाल रखा है, चंडीगढ़ डाल रखा है, यमुनानगर डाल रखा है। सर्दी के टाइम में, रात के टाइम में ये कैसे अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ये आप देख सकते हैं। किस तरह ये अपनी जान को जोखिम में डाल के जा रहे हैं आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि पर्सनल व्हीकल लेके कैसे जाएं। आप समझ सकते हैं कम से कम 4-5 हज़ार रुपये एक कैंडिडेट को देने पड़ेंगे। और अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से, आप देखिए कैसे लटक के जा रहे हैं सर्दी के टाइम में, आप देख लीजिए एक बार। और ऐसा नहीं, इसके ऊपर भी बैठे हुए हैं सर्दी के टाइम में ये साथी एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। ये चीज़ें आपको कोई दिखाएगा नहीं, देख लीजिए आप एक बार। तो गवर्नमेंट को बिल्कुल इस पर विचार करना चाहिए। और जो सेंटर है, या तो बसेज वगैरह, ट्रेन्स वगैरह ज़्यादा अवेलेबल हो जिससे कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने आराम से पहुँच जाएँ। अब आप देख लीजिए, अगर इसमें से कुछ दुर्घटना हो जाए इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो साथ ही आप अपने विचार ज़रूर दीजिए इसके बारे में। धन्यवाद।